हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो देखिए, हिंदी की हम तीसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम संज्ञा, उपसर्ग एवं प्रत्यय को बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं। आज की जो क्लास रहेगी, देखिए उसमें हम समझेंगे सर्वनाम और विशेषण, दोनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले देखिए, संज्ञा से रिलेटेड कुछ आपको डाउट थे, तो जो भी डाउट थे वो अब आपके दूर हो जाएंगे। तो देखिए, कुछ कह रहे कि सर पाँच वेद कहीं पढ़े हमने, कहीं तीन पढ़े। तो देखिए, अब मैं आपको बता, देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि संज्ञा के कितने वेद हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए तीन। ठीक, सिंपली अगर ऐसा लिखा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद हैं, तब भी आपका आंसर होगा तीन। ये दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने वेद हैं, अर्थ की दृष्टि से, तब आपका आंसर होगा पाँच। और ये पाँच वेद कौन कौन से, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने वेद हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से संज्ञा के दो वेद हैं, कौन से, यथार्थवाचक और भाववाचक। तो आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जैसा भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको पता कि आपका आंसर क्या क्या होना चाहिए। ठीक, संज्ञा के कितने वेद, तीन, व्युत्पत्ति के आधार पर भी तीन, अर्थ की दृष्टि से पाँच, मूल रूप से दो। तो ये अब आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं सर्वनाम पर। अब देखिए, हम बात करते हैं सर्वनाम की। तो देखिए, सर्वनाम का हम वैसे आपको इतना ही पढ़ना चाहिए कि सर्वनाम के कितने वेद हैं, छः। अगर आपका क्वेश्चन बना सर्वनाम से तो यही बनेगा, परंतु फिर भी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में वो जानकारी दे देता हूँ कि आखिर सर्वनाम है क्या चीज़। ठीक, तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि दुनिया के सारे नाम, दुनिया के सब नाम क्या है, संज्ञा। ठीक, दुनिया के सब नाम क्या है, संज्ञा। अब मान ली, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि राम ईमानदार है, ठीक, राम ईमानदार है, राम अच्छा वक्ता है, ठीक, राम अच्छा श्रोता है, राम अच्छा श्रोता, यानी कि ऐसे मैं राम की बहुत सारी क्वालिटीज़ को लिखूं। तो देखिए, होगा क्या कि जब हम किसी वाक्य में बार बार संज्ञा का यूज़ करते हैं, तो होता क्या कि वो वाक्य हमें नीरस लगने लगता है, जहाँ हमें वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो हमें बद्दा लगने लगता है। यानी कि जब मैं इस सेंटेंस में बार बार राम राम का यूज़ करूँगा, तो ये मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मुझे यानी कि संज्ञा का बार बार यूज़ किसी वाक्य में उसको क्या कर देता है, बद्धा बना देता है, जहाँ से यानी कि अच्छा नहीं लगता बार बार संज्ञा का यूज़। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिखूँगा कि राम ईमानदार है, ठीक, मैं लिखूँगा राम ईमानदार है, वे अच्छा वक्ता है, वे अच्छा श्रोता भी है, वे जो भी है, जो भी, ठीक। तो हुआ क्या कि मैंने सर जो संज्ञा थी उसके स्थान पर क्या यूज़ करना शुरू किया, वे बे बे, बस ये वे ही क्या है सर्वनाम। यानी कि हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे जैसे मैं लिखूं आपको कुछ, मैं सर्वनाम के बता, जैसे मैं, हम, अगर ज़्यादा है तो हम, जे बे जे बे वो, ये सब क्या है। तो देखिए, ये मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सर्वनाम। देखिए, आपको पता चल ही जाता, आपको पता ही चल ही जाएगा जब देखिए संज्ञा के स्थान पर जिस भी शब्द का यूज़ हो रहा होगा वह क्या होगा, सर्वनाम। देखिए, वैसे ये आपको याद रख लेने चाहिए, वैसे ऐसे याद रखने वाली कोई बात नहीं, आपको सीधा पता नहीं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए अगर ऐसे कि बन जाए कि बे सुंदर है या कुछ भी ऐसे, तो उसमें शायद आपसे ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो बे यानी किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है, किसी संज्ञा के लिए यूज़ हो रहा है वे, तो आपका क्या आंसर होगा, वह क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक, देखिए बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में बढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता है इसके जो छः वेद होते हैं वे होते हैं पुरुषवाचक। ठीक है, आपको विशेषण थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक, संबंध वाचक, संबंध वाचक। देखिए, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, संबंध बताने वाला, अनिश्चितता को बताने वाला, निश्चितता को बताने वाला, इस तरीके से। और आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और लास्ट होगा निज वाचक, निज वाचक। देखिए, वैसे अगर इसको डिटेल में आपने समझना हो तो बहुत गहराई तक हम जा सकते हैं, परंतु आपको पटवारी एग्जाम से ज़्यादा जरूरी नहीं है पढ़ना, मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे जो पुरुषवाचक क्या होता है, जिसमें तीन पुरुष हों, आप कहेंगे तीन पुरुष क्या होते हैं, तीन पुरुष होते हैं जैसे उत्तम पुरुष एक, दूसरा हो मध्यम पुरुष, तीसरा हो अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जो कहने वाला, कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं,
और जो सुनने वाला उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जा रहा हो। ठीक, जैसे मैं कहूं कि बे ईमानदार है और मैं पूछूं कि इसमें कितने पुरुष हैं, बे ईमानदार है, बे ईमानदार है, इसमें कितने पुरुष हैं, तो ज़्यादातर आप कहेंगे, देखिए जो तो आंसर दे रहे होंगे तीनों पुरुष हैं इसमें, तो उनका आंसर तो सही होगा, परंतु मुझे पता है कि बहुत कम ही इसका आंसर दे पा रहे होंगे। तो इसमें तीनों पुरुष कैसे हो, मैंने कहा उत्तम पुरुष यानी जो कह रहा है, मध्यम पुरुष यानी जो सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए मैंने कहा बे ईमानदार है, मैं कहने वाला, मैं उत्तम पुरुष, आप सुनने वाले, आप क्या हो गए मध्यम पुरुष, और हम किसके बारे में बात करें, वे किसी के बारे में बात करें, तो इसमें अन्य पुरुष भी है, तो इसलिए इसमें तीनों क्या हैं, तीनों पुरुष हैं। और देखिए जब उत्तम पुरुष यानी कि हम पुरुषवाच्य की बात करें, पुरुषवाच्य में तीन पुरुष है, तो उत्तम पुरुष कहने वाला, तो कहने वाले के लिए हम कौन से सर्वनाम शब्दों का यूज करते हैं, मैं, क्योंकि कहने वाला मैं हूँ, ज्यादा है तो हम, सुनने वाला तू तुम, जब अगर आदर देना हो तो आप। ठीक, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि जे वे वो, जे क्या होंगे सारे अन्य पुरुष, तो मैंने आपको वैसे इकट्ठे ही बता दिए सारे जे, तो आपको पता चल ही जाएगा कि जिनका यूज हम संज्ञा के स्थान पर करेंगे वे क्या होंगे, सर्वनाम। तो अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे तो होता क्या कि अन्य पुरुष के लिए जो हम जो यूज़ कर रहे हैं शब्द, जो हम करते हैं प्राणियों के लिए, यानी कि पुरुषवाचक में जो अन्य पुरुष के लिए हम जो सर्वनाम यूज़ करेंगे वो किसके लिए करेंगे, प्राणियों के लिए, यानी कि जीवित वस्तुओं के लिए, वस्तु नहीं कहूँगा, जीवित सजीवों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं अन्य पुरुष, क्योंकि जे वे वो का हम यूज़ और कहाँ करते हैं, निश्चयवाचक में भी करते हैं, वो किस लिए करेंगे, वस्तुओं के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वे मेरी पुस्तक है, या वे पुस्तक मेरी है, तो अगर मैं जहाँ पूछूँ कि वे क्या है, तब आप कि कौन सा सर्वनाम है, तब आप पुरुषवाचक नहीं कहेंगे, क्योंकि पुस्तक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जे एक सजीव वस्तु नहीं है, प्राणी नहीं है, तो जे वे होगा निश्चयवाचक का। तो वैसे जी अब आपको जितना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर जब हम हिंदी पूरे करेंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी ऐड करूंगा वैसे, जब हम आपके मॉक टेस्ट लूंगा, तो अब हम करेंगे विशेषण, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए आपको याद, सिर्फ ये याद रखना कि सर्वनाम के कितने वेद होते हैं, शे, तो ये आप नहीं भूलेंगे। ठीक, तो अब हम विशेषण की बात करते हैं, तो देखिए विशेषण, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं लिखूँ विशेषण, मान लीजिए कोई भी कि बे ईमानदार बालक है, बे ईमानदार बालक है, तो देखिए विशेषण का आपको एक बात पहले ये याद रखनी, इसमें हम दो शब्द यूज करते हैं, यानी कि इसमें दो आपको, एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषक। शायद पूछ ही लिया जाए आपसे, परंतु हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सारा कुछ पढ़ेंगे जो पटवारी की दृष्टि से हमें जरूरत है पढ़ने की। एक इसमें होता है विशेष्य, एक होता है विशेषक। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो देखिए विशेष्य वे शब्द होगा जिसकी हम विशेषता बता रहे होंगे, जिसकी विशेषता हम बता रहे होंगे भी होगा विशेष्य, और विशेषक क्या होगा, तो विशेषक होगा जिससे हम विशेषता बता रहे होंगे। ठीक, विशेषक क्या होगा, जिससे हम विशेषता, यानी कि विशेषक क्या है, विशेषण, यानी कि उस वाक्य में जो विशेषण शब्द हम यूज कर रहे होंगे वे विशेषक ही होगा, यानी कि जब मैंने जहां लिखा वे ईमानदार बालक है, यानी कि इसकी विशेषता क्या बता रहा हूं, ईमानदार, यानी कि जहां विशेषक क्या होगा, ईमानदार, सिंपली विशेषक, विशेषण ही विशेषक होगा, जो विशेषण शब्द होगा वे ही विशेषक होगा, और विशेषक होगा जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, उस लड़के की, तो विशेषक लड़का हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि जिसकी हम विशेषता बता रहे होंगे वो विशेष्य होगा, और जो जिसके जरिए हम जिस शब्द का यूज़ कर रहे हैं हम उसकी विशेषता बताने के लिए भी होगा विशेषक। तो ये आप बस दो याद रखेंगे, अगर पूछ लिया जा सकता कि आपको कोई सेंटेंस दे रखा हो और पूछा जाए कि इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है, या विशेष्य कौन कौन सा है, जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल देता हूँ, सुंदर बगीचा, लिखूं सुंदर बगीचा, मुझे बताइए इसमें विशेष्य कौन सा है, विशेषक। जब मैं कहूँ विशेष्य, तो विशेष्य का मतलब होना चाहिए जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं, बगीचे की, तो इसमें विशेष्य क्या होगा, जब विशेष्य शब्द होगा बगीचा। ठीक, और इसमें विशेषक क्या होगा, विशेषक यानी जिसके द्वारा मैं उसकी क्या का विशेषता बता रहा हूँ, यानी कि कौन सा इसमें विशेषण शब्द यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि उसकी खासियत गुण या कुछ भी मैं उसका बता रहा हूँ, यानी कि उसकी मैं विशेषता बता किसके जरिए रहा हूँ, किस शब्द के जरिए, सुंदर, तो आपका आंसर होगा सुंदर, विशेषक क्या होगा, सुंदर, यानी कि विशेषक ही विशेषण ही विशेषक होगा। तो जी आप याद रखेंगे, अब आते हैं हम इसके कि क्वेश्चन कैसे बने। देखिए हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद, तो आपका आंसर होना चाहिए पाँच। देखिए बुक में, मुझे पता आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे वहाँ पर ज़्यादातर बुकों में आपको देखने को मिलेगा चार, परंतु मैं आपको बता दूँ कि चार गलत होगा,
आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, जब विशेषण के भेद कितने होते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए पांच। और देखिए इसमें जो पांचों के पांचों जो भेद हैं, प्रकार हैं विशेषण के, चारों ही प्रमुख हैं, यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हो कि जो गौण हो जा जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसकी महत्व इतना ना रखता हो जो विशेषण का प्रकार, परंतु मैं आपको ये पांचों के पांचों ही प्रमुख हैं विशेषण के प्रकार। तो आपको जब आंसर आएगा मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फिर आप कमेंट करके सर ऐसा दे रखा है ऐसे दे रखा है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, जब विशेषण के कितने भेद हैं, ठीक, कितने भेद हैं जब प्रकार हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए बेशक वहाँ पर चार भी दे रखा हो, तीन भी दे रखा हो, एक छः दे रखा, कुछ भी दे रखा हो, आपका आंसर होना चाहिए पाँच। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि विशेषण के पाँच प्रकार होते हैं और आपका आंसर पाँच होना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन में किसी भी और तरीके से जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से, और देखिए इनसे क्वेश्चन भी बनता है, आपको एक सेंटेंस दे रखा होता है, पूछा जाता है कि इसमें जो कौन सा विशेषण है, ठीक। तो पहले बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण, इनके सभी के साथ विशेषण लिख सकते हैं। वाचक का मतलब क्या है, बताने वाला, ठीक, गुणों को बताने वाला, किसके गुण, संज्ञा के गुणों को बताने वाला। तो क्या सिर्फ गुण ही आएंगे इसमें, अगर कोई दोष दे रखा हो तो देखिए दोष भी गुण ही होते हैं, परंतु हम दोषों को क्या कहते हैं, अच्छे गुण नहीं है जी, ठीक। हम दोषों को क्या कह सकते हैं, बुरे गुण, परंतु हम उन गुणों की कैटेगरी में गिन सकते हैं, यानी कि गुणवाचक में आपके आ जाएंगे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और एक होगा दशा, ठीक। जो संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा के बारे में बताए भी, कौन सा विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण। आपको देखिए सेंटेंस इस तरीके से, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको क्वेश्चन बनेगा, आपको ऐसा दे रखा होगा ईमानदार बालक, ईमानदार बालक, और पूछा जाएगा निम्नलिखित जो वाक्य है आपको जो दे रखा है इस कौन सा विशेषण है, आपको जैसे ईमानदार में रेखांकित कर दिया होगा, पूछ जाएगा जो कौन सा विशेषण है, ऑप्शन दे रखे होंगे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, ये तो पूछा जा ही सकता है ना इस तरीके क्वेश्चन, पटवारी जी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, गुणवाचक। कोई दो देखिए मान लीजिए आपको, देखिए दुनिया के सभी गुणों के बारे में तो नहीं पता, दुनिया के सभी दोषों के बारे में तो नहीं पता, दुनिया के सभी रूप आकार दशाओं के बारे में नहीं पता आपको, फिर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा शब्द दे रखा हो जिसका आपको पता ही ना, उसका अर्थ ही ना पता हो कि जो गुण है दे रखा में, जो कोई दोष दे रखा, जो कोई रंग होता है, जो रूप है, आकार या दशा, तो आप आंसर कैसे पता करेंगे कि जो गुणवाचक विशेषण होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको एक इसे ट्रिक समझ लीजिए, जो कुछ भी समझिए, तो आप क्या करेंगे, आप प्रश्न करेंगे कैसा, अगर स्त्रीलिंग है कैसी, अगर बहुवचन है तो कैसे, ठीक, यानी कि आप क्या करेंगे, आप प्रश्न करेंगे, जैसे मैंने क्या लिखा ईमानदार बालक, तो आप प्रश्न करेंगे कैसा बालक, अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है, आपको इसका आंसर मिल रहा है कि आपने कहा कैसा बालक, तो क्या आंसर मिला ईमानदार बालक, तो ये क्या हुआ गुणवाचक। जैसे मैं लिखूं काला कागज, काला कागज, इसमें पूछा जाए कौन सा विशेषण है, आप क्वेश्चन करेंगे कैसा कागज, कैसा कागज, तो कैसा कागज, काला कागज आपको मिला तो गुणवाचक। गर्म पानी, कैसा पानी, गर्म पानी। मोटी पुस्तक, आप प्रश्न करेंगे खुद से कैसी पुस्तक, तो क्या निकल कर आएगा मोटी पुस्तक, कैसी, ठीक। सुंदर दृश्य, कैसा दृश्य, तो सुंदर दृश्य, तो इस तरीके से जो बेईमान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, तो इस तरीके से आप गुणवाचक विशेषण का पता लगा लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण की, संख्या को बताने वाला, सर्वनाम, ओ सॉरी, संज्ञा की जो संख्या को बताने वाला, यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको संख्या दे रखी होगी वे क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। और एक बात बता दूं कि जितने भी जो विशेषण है, जो अनिश्चित और निश्चित, इनके सभी के दो प्रकार होंगे। अगर देखिए निश्चित संख्या बताई गई है तो निश्चित संख्यावाचक, संख्या निश्चित नहीं दे रखी है तो अनिश्चित संख्यावाचक। जी आप खुद देख लेंगे कि निश्चित और अनिश्चित सभी के दो दो प्रकार जे चलेंगे साथ में, यानी कि अगर संख्या निश्चित दे रखे तीन लिख रखा है तो सीधा आप करेंगे कि जो निश्चित संख्यावाचक है, अगर ऐसे लिख रखा पाँच छः आदमी तो निश्चित तो नहीं ना हुआ कि पाँच है छः, परंतु संख्या तो कोई ना कोई है हम उसे गिन सकते हैं, तो पाँच छः आदमी तो वे भी अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि संख्यावाचक में क्या क्या आएगा, क्या क्या लिखा होगा कि आपको पता चलेगा कि ये संख्यावाचक विशेषण है। तो जैसे मैं बात लिखूँ कि पाँच आदमी, पाँच आदमी, ठीक, जैसे मैं लिखूँ कुछ आदमी, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण में आएगा, ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक, क्योंकि देखिए इसमें जो पाँच आदमी है, अच्छा अब मुझे आप ये बताते कि पांच आदमी को मैं निश्चित संख्यावाचक कहूंगा या अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसे मैं क्या कहूंगा, निश्चित, क्योंकि संख्या निश्चित देर के पांच ही आदमी हैं। जहां क्या होगा कुछ आदमी, यानी कि कुछ आदमी है उनकी कुछ संख्या तो है, आएगा तो वो संख्यावाचक है, परंतु हमें उनकी संख्या एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो मैं उसे लिखूंगा अनिश्चित संख्यावाचक में, ठीक, अनिश्चित संख्यावाचक।
अब देखिए इसे थोड़ा हम और आगे समझेंगे, ठीक, ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप गलत ना कर पाए। तो देखिए हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो इसके दो प्रकार, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में देखिए, निश्चित वैसे आपको नहीं याद रखना, आपको ये पता है कि संख्या, वो तो आपको पता चली जाएगी जब संख्या निश्चित होगी, तो निश्चित होगा और अनिश्चित होगा, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्यावाचक विशेषण ही है, ठीक। तो इसके कुछ निश्चित वाचक संख्या के मैं आगे मैं थोड़े से इसके आपको प्रकार पर, जैसे गणना, आवृत्ति। देखिए मैं इसलिए प्रकार बनाए ताकि आपको सिंपली थोड़ा आसानी से समझ आ सके, आ जाए, ठीक। क्रमवाचक, क्रम को बताने वाला, समूह या समुदाय, ठीक। तो गणना में क्या आएगा, तो गणना में सिंपली गिनती आएगी, गिनती, ठीक। जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 5 सेंटेंस में ऐसा दे रखा हो तो आपका संख्यावाचक तो होगा ही, तो कौन सा होगा, निश्चित संख्यावाचक। जैसे गणना गुणा नहीं याद रखनी चाहिए, वैसे आपको बता रहा हूँ। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब जैसे मैं लिखूँ 2 गुणा बे कोई वस्तु है, उसे 2 गुणा बढ़ी, या 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा, तो वे भी संख्यावाचक में आएगा। क्रमवाचक की बात करूँ तो क्रमवाचक का जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो क्या होंगे, सारे क्रमवाचक और क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट मैं लिखा समूह या समुदाय, जैसे मैं लिखूं दोनों, या लिखूं मैं तीनों, चारों या सभी, ये सारे क्या आएंगे, चारों पांचों कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये क्या होंगे, सारे संख्यावाचक। और कौन सी, निश्चित संख्या। जब मैं कह रहा हूँ दोनों, तो दो व्यक्ति निश्चित कह रहा हूँ, तीनों तो तीन व्यक्ति, सभी कह रहा हूँ तो वो भी निश्चित है, सारे ही जितने भी वहाँ पर है सारे, तो वो भी निश्चित में ही आएगा, ठीक। अब मैं अनिश्चित की बात कर लेता हूँ, तो अनिश्चित में हम क्या लेंगे, कैसी संख्या लेंगे, या क्या क्या लिखेंगे, जो अनिश्चित, जो निश्चित नहीं होगा। यानी कि मैं जब लिखूँ पाँच या, यानी कि जब संख्या निश्चित ना हो, जैसे मैं लिखूँ पाँच ही आदमी, तो पाँच ही आदमी कोई निश्चित तो नहीं है कि पाँच है या छः, नहीं पता, परंतु उनकी संख्या तो कोई ना कोई है, तो आएगा तो वो संख्यावाचक में। जहाँ मैं लिखूँ इस स्टेडियम में लगभग 1 लाख लोग मौजूद हैं, तो मैं निश्चित तो नहीं हूँ, परंतु मुझे पता को उनके जो स्टेडियम में लोग मौजूद हैं, दर्शक मौजूद हैं, उनकी कोई ना कोई संख्या तो है, तो इसलिए मैं संख्यावाचक में आएंगे। पर कौन सी, अनिश्चित संख्या, कि लगभग लिखा है परंतु एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे मैं लिखूँ कुछ कुछ आदमी, कुछ लोग, कुछ, तो संख्या तो उनकी कुछ है परंतु क्या है, निश्चित नहीं है। जैसे मैं लिखूँ सब कुछ, देखिए सब कुछ और सभी में फर्क है, ठीक। तो सब कुछ भी किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। जहाँ मैं लिखूँ कई, कई लोग थे वहाँ पर, निश्चित संख्या नहीं है, मुझे नहीं पता, परंतु किस में आएगा, आएगा संख्यावाचक में ही, परंतु अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा जी। तो अब आई होप आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा, अब आगे बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए परिमाण का मतलब होगा कि उसकी कुछ मात्रा दे रखी हो, संज्ञा की, या कुछ भी जो आपको सेंटेंस दे रखा हो, कुछ उसमें मात्रा दे रखी हो, माप तोल कुछ भी दे रखा हो, तो भी आपका आएगा परिमाणवाचक विशेषण में। संज्ञा की, मात्रा, माप तोल कुछ भी दे रखा हो, जैसे मैं कहूँ, जहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँ लीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, जैसे बहुत सारी इकाइयाँ हो सकती हैं, ठीक। जो ये सारी मात्रा माप तोल में ही आएगा जे, और किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। और देखिए इसके भी आगे दो प्रकार होंगे, निश्चित अनिश्चित, जिसमें निश्चित दे रखा होगी 2 किलोमीटर वो चला, जैसे कुछ किलोमीटर, तो किस में आएगा, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में। यानी कि सिंपली आपको ये पता होना चाहिए निश्चित क्या होगा, जब मात्रा माप तोल निश्चित दे रखा हो कि 2 किलो सेब खरीदे, जैसे कि उसने कुछ ग्राम चीनी खरीदी, तो कुछ ग्राम खरीदी नहीं निश्चित, परंतु पता आपको ग्राम आ रहा है, माप तोल आ रहा है, तो क्या होगा, होगा तो परिमाणवाचक, परंतु परिमाणवाचक में जो निश्चित नहीं दे रखा है कि कितने ग्राम खरीदी, तो किस में आएगा, अनिश्चित। तो इसलिए मैं आपको अलग नहीं बताऊंगा कि निश्चित अनिश्चित का, आपको शब्द से ही पता चले जाता है कि निश्चित का मतलब क्या होता है, अनिश्चित का मतलब क्या होता है, ठीक। तो जैसे मैं कहूँ थोड़ा, यानी कि थोड़ा कपड़ा खरीदा उसने, तो अनिश्चित में होगा, थोड़ा खरीदा तो उसने कपड़ा, यानी कि मात्रा में आया, मात्रा आपको पता परिमाणवाचक होगा, अब थोड़ा खरीदा नहीं पता कितना खरीदा, तो अनिश्चित होगा, थोड़े कपड़े, ठीक। अच्छा अभी मैं आपको एक बात, देखिए थोड़े कपड़े और थोड़ा कपड़ा, मुझे बताइए ये दोनों कौन से विशेषण होंगे, मुझे पता, जिसने तो बहुत ध्यान से पिछला संख्यावाचक पढ़ा होगा उसे तो पता होगा। देखिए थोड़ा कपड़ा मीन्स मात्रा के बारे में बता रहा है, परंतु निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, मात्रा तो परिमाणवाचक सीधा, परंतु कौन सा, और निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, थोड़े कपड़े, देखिए जी हमें मात्रा के बारे में नहीं बता रहा, ना माप ना तोल, जी हमें एक संख्या के बारे में बता रहा है, देखिए थोड़े कपड़े, थोड़े कपड़े में संख्या के बारे में बताया, कुछ संख्या होगी उन कपड़ों की,
यानी कि जे हमें बता रहा है संख्यावाचक विशेषण के बारे में, और कौन सा? अनिश्चित। तो देखिए आप बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक, परंतु तो आपको इस तरीके से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो, ठीक। तो आपको सिंपली ऐसे आता कि 2 लीटर दूध, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि परिमाणवाचक विशेषण होगा, आपको सिंपली दे रखा होगा परिमाणवाचक, आपको ऐसा भी नहीं दे रखा अनिश्चित अनिश्चित, परंतु आपको मैंने बता दी कि निश्चित अनिश्चित होता क्या है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और कुछ भी दे रखो, मात्रा, माप, तोल, कुछ भी, ठीक। नेक्स्ट करते हैं चौथा नंबर, संकेतवाचक। संकेत वाचक विशेषण, देखिए पता, संकेत को बताने वाला, जैसे मैं इसका सिर्फ आप एग्जांपल से समझिए, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो संख्या गुणवाचक और परिमाणवाचक से ही बनेगा, इन तीनों में जो नहीं होगा वे संकेतवाचक में हम लिख देंगे। जे पुस्तक मेरी है, जे पुस्तक मेरी है, देखिए पता आपको संकेत करा, जे जे पुस्तक मेरी है, यानी कि संकेत, तो संकेतवाचक। जैसे लिखूँ जे मेरी पुस्तक है, जे मेरी पुस्तक है, इसमें भी संकेत, संकेत करा, जे पुस्तक मेरी है, तो जी इसका तो आप खुद में खुद पता लगा ही लेंगे, जो परिमाणवाचक नहीं होगा, जो संख्या गुण नहीं होगा, चार ही तो ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, और जो पांचवा होगा वे होगा व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक का एक अलग से टॉपिक बनता है पूरा, व्यक्तिवाचक विशेषण हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ठीक। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक। और यही वो भेद है पांचवा, जिसे आपकी किताबों में नहीं दे रखा है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, जो एक अलग टॉपिक भी होता है, जैसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे आपको दे रखा होता है चमक, चमक का विशेषण क्या होगा, चमके क्या है, संज्ञा शब्द है तो इसका होगा चमकीला। आपको दे रखा होगा धर्म, धर्म का विशेषण क्या होगा, धार्मिक। तो इस तरीके से आपको व्यक्तिवाचक विशेषण, परंतु हम विशेषण के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये भी हम करेंगे कि संज्ञा से सर्वनाम शब्द, इसको हम अलग एक्सरसाइज करेंगे, परंतु आपको क्वेश्चन कौन सी संज्ञाओं से बनेगा, जो मैंने हमने ऊपर तीन पढ़ी, चौथी आपको जो संकेत दे रखी होगी, जो तीन नहीं होगी वो संकेत होगी। व्यक्तिवाचक का तो टॉपिक ही अलग बन जाता है, वो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो अब हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों को पढ़ लिया, और इससे आपके दो या तीन क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे, आप पिछले पेपर से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट भी जो इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इनका फ़ायदा मिल सके। देखिए वैसे मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है, ये सिर्फ पटवारी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि विशेषण पटवारियों के लिए कुछ और विशेषण होंगे, अगर आपका आगे कोई पेपर है उसके लिए कोई और विशेषण होंगे, यही पढ़ना पड़ेगा, यही बेसिक होता है, बस पेपर जैसा होता, जैसा उसका लेवल है उसके हिसाब से उतना डीप पढ़ना पड़ता है। वैसे देखिए कोई एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता, अगर आपके एग्जाम में जो टॉपिक की मेंशन कर रखा कि जनरल साइंस, तो जनरल साइंस का आप सारा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ में ऐसा नहीं लिख रखा होता कि आप सिर्फ इतना इतना पढ़िए या इतना, सिर्फ क्या लिखा रहता है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में तो सब कुछ आता है। तो कोई वो देखिए आपकी असफलता का कारण भी यही रहता है कि आप एक दायरा फिक्स कर लेते हैं कि जनरल साइंस लिखा पटवारी का एग्जाम है 10वीं लेवल का, देखिए वो एक क्वालिफिकेशन रखी कि इस जो इतने पढ़े हुए हैं वो इसे भर सकते हैं, परंतु जो इसका लेवल रहता है वो ठीक ठाक ही रहता है। अगर जनरल साइंस लिखा तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ छोड़ नहीं सकते, ठीक। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, कुछ समझने में को आपको कुछ नया मिला, आपको कुछ अगर वाकई में कुछ समझ आए, तो इसे जैसा लाइक कीजिएगा, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्लासेस हमारी रेगुलर हैं। और हम मैथ का भी देखिए तीन टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, और जितने भी टॉपिक हमने शुरू किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे लगभग दो दो क्वेश्चन भी कहीं से बने हैं, जैसे टाइम एंड वर्क से एक बार दो, प्रॉफिट एंड लॉस से भी दो बने हैं। इसके अलावा टाइम डिस्टेंस ट्रेन, इसका भी 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो पूछे गए आपको पता ही होगा एक एग्जाम में, तो मैंने ऐसे टॉपिक सबसे पहले शुरू किए हैं। तो कल मैथ की क्लास लगाएंगे, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।